ये लोग बहुत इंटरेस्टेड है ना, पूछते रहते। बैठी से घूमने लेकिन तो मैं देखो वहां है लेकिन मैं नहीं हर जगह के उस दिन से बेस्ट से बढ़ते हैं सीवी का। कहाँ से लियो, कहाँ क्या चीज से लियो ये? कहाँ से कह रही है हमको सोना भेजी दो लिख लो किसका है मेरा है जाओ तुम जाओ पढ़ो। नहीं हमको बोलो मत सोना है ना सर। मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है किसी को? यस सर। यस सर। हेलो हेलो। यस सर सुनाई दे रहा है। मुझे आवाज नहीं सुनाई पड़ रही क्या? आ रही है सर। हेलो हेलो मॉर्निंग सर। हेलो हेलो एक मिनट, मेरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करता हूँ। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो। आवाज आ रही है सर? सर आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप सब प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। सर आ सर। हेलो आप में से कोई बोल के बताइए मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। यस सर। हेलो हेलो। ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट। यस सर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। आप लोगों की भी तो नहीं आ रही है, आप में से कोई कुछ बोले? आज आवाज ही नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है सर? आ रही है। साइन तो दिखा रहा है। आ रही है सर। आ रही है। जाए तो थोड़ी देर चेक करने के बाद आवाज दिखा रहा है। आ रही है आवाज। हेलो। यस सर। यस सर। हेलो कोई बोल के बताए आपके किसी को आवाज आ रही है मेरी? कुछ तो आवाज बताए, मुझे नहीं आ रही है सर। कोई टेक्स्ट कर दो। हाँ आप लोगों की आवाज नहीं जा रही मेरे पास बिल्कुल। आपकी आवाज सर क्या पता, मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज जा रही है, पर आप लोगों की आवाज कुछ ऐसा जिसमें कुछ प्रॉब्लम है। पर दोबारा से इसको आप लोग बोले भाई, किसी की आवाज आए तब तो हमें पता चले ना। आ रही है सर।
की आवाज नहीं आ रही यार मुझे, दोबारा पता करते हैं। यस सर आ रही है। अभी सबकी आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है, शायद आपको भी आ रही है। अब आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। पहले कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो रही थी। यस सर। अभी सही। हाँ भाई चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको क्या? यस सर। होमवर्क हो गया या डिस्कस करना? हो गया सर। ठीक हो, अगर कोई सवाल उसमें पूछना हो तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जिसके घर के सवाल आई चलिए भाई स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नंबर वन एक बार मैं क्वेश्चन नंबर वन में किसी को डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। थर्ड में डाउट है? नो सर। नो सर। फोर्थ में डाउट है? फिफ्थ में डाउट है? सिक्स्थ में डाउट है? पांचवा सवाल पहले क्वेश्चन नंबर फाइव पहले करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैं बताने जा रहा हूँ, पांचवा सवाल। इसके अंदर एक कमरा है, सवाल का मतलब नहीं समझ गया होगा बहुत सारे लोग, एक रूम है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है और ये कह रहे हैं फिगर शोज द प्लेन व्यू ऑफ ए क्यूबिकल रूम विद द वॉल सीढ़ी एज प्लेन मिरर। वॉल सीढ़ी जो है वो एक प्लेन मिरर है। फिर उसके बाद कह रहे हैं ईच साइड ऑफ द रूम इज 3 मीटर से लेकर रूम का हर साइड जो है वो लंबाई पे 3 मीटर। ये कैमरा बीचों बीच यहाँ रखा हुआ है, ये 3/2 हो भाई। म्यूट करके बातचीत करो ना यार आप। देखो म्यूट कर लेना आप लोग, इसके घर में आवाजें आती है। देखिए कितना मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, इतना निवेदन तो मोदी जी ने दे दिया होगा लॉकडाउन का, जितना मैं आपका रोज दिन अपने आप का उम्मीद करने का। देखिए यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अब इनका ये कहना है कि ये जो पॉइंट है अगर हम चाहते हैं कि इमेज बने, ये वाला पॉइंट है अगर हम इसकी इमेज बनाना चाहते हैं तो हमें कैमरा कहाँ फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये कैमरा है,
ये मान लीजिए कैमरा है, तो एक का जो इमेज आएगा ना, एक का इमेज यहाँ कहीं है उस जगह पे आएगा। अगर एक का इमेज इस जगह पे आएगा तो हमें कैमरे को इसी जगह पे यहाँ पे कैमरे को पिकअप करना पड़ेगा। तो अब ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, ये दूरी देखिये, ये दूरी अगर तीन के बराबर है तो ये दूरी भी तीन के बराबर होगी। और ये वाली दूरी तो पाइथागोरस लगा के, हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से यहाँ के बीच पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस सिक्स के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस थ्री बाई टू के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई। सवाल का मतलब आपको नहीं समझना होगा, बाकी सवाल को पूछा है तो मिला के आपसे पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आएगी ये बराबर आएगी अंडर रूट से एक्स पर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठे में डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था, जहां तक जितना मुझे याद है, सर आप क्वेश्चन करा रहे थे लास्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये मैं आपको सिखा रहा था। हम कराते हैं और सारे लोगों के रूम में आवाजें आ रही हैं, तो आवाजें हम बंद कर रहे हैं। देखिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है? इमेज की वेलोसिटी में मैंने तीन रूल आपको बताए थे, तीन नियम बताए थे। एक नियम ये था कि अगर मिरर खुद के पैरेलल चल रहा है तो उसके कारण इमेज में कोई वेलोसिटी नहीं आती है, एक नियम ये था। दूसरा ये था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होती है। और तीसरा नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन के लिए, वो मैंने आपको बताया था कि जो मिरर की वेलोसिटी होती है वो इमेज की वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बाय टू, ये मिरर की वेलोसिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ जैसे सवाल किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन तीनों कंसेप्ट को हम लोग फिर से और अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं। एक दो सवाल मैंने आपको कराए भी थे, एक दो और सवाल भी करते हैं। चलिए एक ये सवाल करिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है 10 फीट या 5 फीट पे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिरर जो है ये इस दिशा में जा रहा है 20 फीट, मिरर ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की वेलोसिटी बताएं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज 30 मीटर पर सेकंड। चलिए
देखिए अगर हमें इमेज की वेलोसिटी निकालनी है तो इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो मिरर की वेलोसिटी होती है ये बराबर होती है इमेज की वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब जो मिरर की वेलोसिटी है ये मिरर की वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है 20, इमेज की वेलोसिटी हमें पता लगानी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10/2, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है ना बाय 2, यहां से सॉल्व करेंगे तो जो इमेज की वेलोसिटी आएगी वो 30। हाँ मैडम बोले, हाँ बोले, कुछ कह रहे थे आप, कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? यस सर। हाँ नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा नहीं किया जा सकता बेटा? हेलो, बोले सर ऐसा नहीं किया जा सकता कि सबका प्रोफाइल ना दिखे सिर्फ आपका दिखे? सर की गैलरी जाए तो उस पे टाइप करो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो अब आप लोग बच्चे हो, मुझे लगा आप आपको किसे बताओ इसमें, आप सर की गैलरी में जाए तो डबल टैप करो, डबल टैप करो तो उसे वही आ जाएगा सर की, तो थोड़ा इधर उधर करोगे तो सीख जाओगे ना मोबाइल के तौर पर मास्टर। चलो तो नहीं हो रहा है, उसको राइट स्वैप करो, राइट स्वैप करो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर उधर करोगे आप किसी से किसी से पूछना तो हो जाएगा, अभी मैं पढ़ा लेता क्लास के बाद टाइम हम लोग के पास डेढ़ घंटे के बजाय एक घंटे मिलता है ना, ठीक है तो मैं थोड़ा पढ़ा लू और चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब जस्ट मान लीजिए कि एक मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट जो है इस बार जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और जो मिरर है वो इधर आ रहा है, इस बार आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड इधर, तो क्वेश्चन लिखे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। सर 45 पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव -30 मार गए। चलो सॉल्व करें, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बाय 2, ये मिरर की वेलोसिटी थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन, क्योंकि ये मोशन परपेंडिकुलर हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है तो bm = bi + ba / 2 ये हो जाएगा। अब मैं इमेज की वेलोसिटी रखूंगा, इमेज की वेलोसिटी मुझे पता लगानी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 है, मिरर की वेलोसिटी -5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो vi जो आएगा वो माइनस इमेज की वेलोसिटी माइनस, नोट कर लेंगे, ठीक है फटाफट नोट करें। हो गया सर, हो गया, वेरी गुड। अच्छा आप लोगों ने जैसे 11th में पढ़ा होगा ना कि साइन 37 जो होता है वो 3/5 होता है, cos 37 जो है वो 4/5 होता है, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, साइन की मतलब साइन 37 cos 37, उस पे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। एक सवाल ये है जैसे मान लीजिए मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और हम 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये जो एंगल है ये 37 है, 10
10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है, एंगल 37 डिग्री के बराबर है, तो क्वेश्चन लिखे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वेक्टर वेक्टर फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप में लिखना है। अच्छा मैं एक्स वाई आपको बता दूं, जैसे x एक्सिस ये वाला डायरेक्शन है और y एक्सिस ये वाला, अगर ये x डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन है, तो इमेज की वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में बता, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इमेज की वेलोसिटी। सर माइनस माइनस 8 i कैप प्लस 6 j कैप, माइनस 8 i कैप प्लस 6, चलिए बाकी सब भी लिख दीजिए। चलिए मैं सॉल्व करते हैं, इधर आइए देखिए एल है ये वेलोसिटी डेंसिटी, तो हमें मिरर माइनस सिक्स जे कैप ही रहेगा। मिरर के जब भी सवाल करते हैं ना तो उसमें जो भी वेलोसिटी तो लिखते हैं ना, या तो मिरर के अलोंग होती है परपेंडिकुलर होती है, अलोंग और परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उन्हीं से हम लोग मिरर के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 37 का मतलब ये मतलब 10 cos 37 कितना हो जाएगा 10 × 4/5 कितना हो गया 8, एन साइन 37 जो आएगा एन साइन 37 ये 6 के बराबर आ जाएगा, तो ये 8 के बराबर हो गया, ये 6 के बराबर हो गया। अब अपने पास रूल ये है कि मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है। तो अब अगर मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट 6 से जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट 6 से जा रहा है तो जो इमेज होगी वो भी 6 से जा रहा है, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है, अगर ऑब्जेक्ट 6 से जा रहा है तो इमेज भी 6 से जा रही है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब क्योंकि मिरर रुका हुआ है, मिरर रुका हुआ है तो जैसे ऑब्जेक्ट आर्क से इधर जा रहा है तो इमेज जो है वो आर्क से इधर जा रही है, क्योंकि मिरर का मोशन तो है नहीं, मिरर का मोशन नहीं तो जितना ऑब्जेक्ट जाएगा उतना इमेज भी जाएगी, ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा। तो अब इमेज की वेलोसिटी आप ध्यान से देखें तो एक्स डायरेक्शन में 8 यूनिट है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में 6 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8 आई कैप प्लस, ये वैल्यू आएगी जैसा कि माइनस 8 आई कैप प्लस बराबर में नोट कर लिया? यस सर। और सवाल करें वेलोसिटी वाले, ये मिरर है सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है लेकिन मिरर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मिरर जा रहा है, ये एंगल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है 10 मीटर पर सेकंड से मिरर जा रहा है, ये एंगल है, और वही आपका एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज की रुका सर माइनस 16 जी क्या आई माइनस 16 आई क्या और जे कैप नहीं आएगी, जे कैप में से पैरेलल जाते तो जीरो हो जाएगा, मतलब तो आपका आंसर है माइनस 16 आई क्या ना। सर ये जो सर ये माइनस 8 आई क्या ये सर डायरेक्शन आएगा उल्टे
और ये जो 6 होगा ये मिरर के पैरेलल होगा, इसलिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। और इसमें कुल मिला के आपका आंसर कितना है विशाल जी? -8 आई कैप। ठीक है, चलिए देखिए इधर अगर हम देखें तो जैसे ये जो मैं बताया हूं वो सर मिरर के परपेंडिकुलर बता रहा हूं। चलिए ठीक है, अभी जरा देर में बता रहा हूं। इधर देखिए ये 10 है तो 10 का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो 10 * 4/5 ये आ जाएगा 8 यूनिट, इधर आ जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें वही रूल है कि जो अगर मिरर खुद के पैरेलल चलता है तो उसके कारण इमेज में कोई गलत नहीं है, तो ये 6 तो कट गया, इसका तो कोई रोल ही नहीं था। अगर मिरर खुद के पैरेलल चलता है तो उसके कारण इमेज में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, 6 है ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ही नहीं रहा। अब देखिए 8 जो है इसके बारे में बात करें तो अब अगर अब 8 मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने पास फार्मूला है VI + VO / 2 = VU। VI हमें पता लगाना है, VI हमें पता लगाना है, VO जो आएगा जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आएगी वो 0 है और मिरर की वेलोसिटी है -8। डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, मिरर की वेलोसिटी -8 है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -16 हो जाएगी। तो इमेज की वेलोसिटी -16 होगी, यानी ये 16 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 16 से इधर आ जा रहा होगा और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी पास होगी। तो फाइनली अगर हम वेक्टर फॉर्म में इमेज की वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर इमेज की वेलोसिटी लिखेगा तो ये -16 आएगा। नोट कर लें इमेज का जो वेलोसिटी है -16 आई कैप के बराबर। अभी लाइटिंग बेहतर है कि पहले लाइटिंग बेहतर थी, थोड़ा बताना आपको। अब है सर। हाँ? अभी है। अच्छा अब देखना, अब बेहतर है कि पहले बेहतर? हाँ? अब सही है सर। अब सर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है सर, पर एनकेटी से जब क्लास लेते हैं तो उनका मतलब कि वीडियो क्लारिटी क्लियर नहीं होती अच्छी से। अच्छा, उनका नेट का इशू होगा बेटा, अब आज हम लोगों ने थोड़ा सेटिंग में चेंज किया है। अच्छा, तो वो सेटिंग में चेंज किया तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया था। ठीक है, आज हम लोगों ने सेटिंग में चेंज किया, अभी तो फिलहाल आपको दिख रहा है ना, आप सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मिरर को चला दिया, इमेज को चला दिया, ऑब्जेक्ट को चला दिया, सबको चला दिया, अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। जैसे ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस बार जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर, मिरर इस बार जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल दोनों 37 डिग्री। ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मिरर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो अब वही एक्स वाई आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आपको बताना है इमेज की वेलोसिटी। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वेक्टर फॉर्म, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इमेज की वेलोसिटी बताना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म। Velocity of image in vector form. So -24 I can.
प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फोर आई कैप प्लस सिक्स जे So minus 24 I cap minus 6 J cap. Minus 24 I cap minus 6. चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूँ. देखिए इसमें भाई है कि मिरर के जो भी सवाल आएंगे अब इसमें आप लोग मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सही करने भी लगे. मिरर के जो भी सवाल आएंगे ना उसके अंदर आपको कुछ इतना सा देखना है कि जो भी सब क्वेश्चन मिरर के आ रहे हैं उसके अंदर ये देखना है पैरेलल और मिरर के पैरेलल और परपेंडिकुलर आप रिजॉल्व करें. तो जैसे अगर देखा जाए तो ये था इसको मैंने हटा दिया मिरर की खुद के पैरेलल वेलोसिटी चलती है. अब ऑब्जेक्ट की मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी होती है वही इमेज की मिरर के पैरेलल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल 6 से जा रहा है इमेज भी मिरर के पैरेलल 6 से जा रही है. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एक स्पेशल रूल होता है VI plus VO by 2 is equal to VO. ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रूल है. तो देखा जाए तो ये 8 और ये 16 ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है. तो मैं वैल्यूज रखता हूँ VI हमें पता लगाना है VO जो है वो 8 के बराबर है और जो VM है मिरर की वेलोसिटी है वो है माइनस. सॉल्व करेंगे तो VI कितना हो जाएगा 16 × 32 और 8 माइनस. इमेज की वेलोसिटी जो होगी वो माइनस 40 हो जाएगी. ये इधर आ गया ठीक है. तो अब अगर हम इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी माइनस वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी माइनस 40 आई क्या ये नोट कर. डाउट उसको किसी को नो सर. ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये वेलोसिटी वाले सवाल है. वेलोसिटी वाले इस तरह के बहुत सारे सवाल है शीट में भी है होमवर्क में भी दूंगा मैं आपको और एक्सरसाइज में भी आपको सवाल मिलेंगे. तो ये वेलोसिटी वाले सवाल हो गए. इनके अंदर हम मिरर भी चला सकते हैं ऑब्जेक्ट भी चला सकते हैं इमेज भी. अब इसमें कुछ और सवाल होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल होते हैं जो एज सच पहले को तो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन उस पर सवाल आए हुए एक बार मतलब जो है नीट के अंदर सवाल आया पहले आए थे इस बीच तो नहीं आए ना 12 साल पहले. मैं उस कंसेप्ट को एक बार आपको याद दिला देता हूँ. कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि दो मिरर्स है ठीक है. ये दो मिरर्स है और इनके बीच में एंगल थीटा है और हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है. एक सवाल ये बनता है कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया ये पहला वाला मिरर है ये दूसरा वाला मिरर है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे. इस तरह के सवाल होते हैं इसको कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं डेफिनेट रूल्स होते हैं. वो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ. दो मिरर्स हैं मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है एक ऑब्जेक्ट मैंने दोनों मिरर्स के बीच में रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी इसके कुछ निश्चित नियम होते हैं ठीक है. तो वो जो निश्चित नियम होते हैं उन नियमों को मैं बताने जा रहा हूं आपको ठीक है.
जो इसके डेफिनेट रूल्स होते हैं वो रूल्स में आपको बता दें। एक हम टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं एन, एक नंबर होता है और इसको हम बोलते हैं 360 बाई थीटा। एक टर्म हमने डिफाइन किया एन और एन की जो वैल्यू आती है वो 360 बाई थीटा के बराबर आती है। अब इसमें रूल ये आता है एन अगर इवन होगा तो अलग आंसर होगा, एन अलग ऑड होगा तो अलग आंसर होगा, तो एन की जो वैल्यू है उसके ऊपर आंसर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें नियम ये आता है कि अगर एन एक इवन नंबर आता है, इफ एन इज एन इवन नंबर, मान लेते हैं कि एन जो नंबर आया है वो एक इवन नंबर है, अगर एन एक इवन नंबर होगा उस कंडीशन में ये बताते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है वो एन माइनस वन होती है। अगर एन एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है वो एन माइनस वन के बराबर होती है, ठीक है। अगर एन एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो एन माइनस वन के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अगर एन एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन, जैसे मान लेते हैं समझाने के लिए, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री, तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/90 फोर आया, फोर का मतलब एन इवन नंबर है, इवन नंबर है तो फोर माइनस वन यानी नंबर ऑफ इमेजेस थ्री, तो दोनों मिरर्स के बीच का अगर एंगल थीटा है तो हम एक नंबर डिफाइन करते हैं एन, एन की वैल्यू आपकी 360/थीटा। अब इसके बारे में लिखे नोट करें, इफ एन इज इवन, एन इज इवन, इफ एन इज इवन देन द नंबर ऑफ इमेजेस आर, एन इज इवन देन द नंबर ऑफ इमेजेस आर, एन इज इवन the number of images are n minus 1, n is even, the number of images are n minus 1, if n is even, the number of images are n minus 1, agar n is even number hai, the number of images n minus 1 ke barabar hai, agar n is even number hai, नंबर ऑफ इमेजेस आर एन माइनस, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। अब दूसरा इसके अंदर आता है कि अगर एन इवन नंबर नहीं है, मान लो एन ऑड नंबर हो गया, अगर ऑड नंबर हुआ तो एन के दो केस बनते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, बारीक बात है। अगर एन इवन नंबर है तब तो क्लियर है कि एन माइनस वन, एन मान लीजिए 8 आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 7 होगी, एन मान लीजिए 16 आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस 15 होगी, तो n इवन है तो एकदम क्लियर है, लेकिन n ऑड जब आता है तो दो केसेस बनते हैं, n अगर ऑड आएगा तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि n मान लीजिए ऑड आ गया और जो ऑब्जेक्ट है वो इसके एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है, एंगल बाइसेक्टर एकदम बीचों बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अगर n ऑड आया और ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर है, बीचों बीच एकदम सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है वो n माइनस, और अगर n ऑड आया और ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब सिमेट्रिकल नहीं, यहाँ कहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, किसी भी जगह पर रखा है, बस सिमेट्री लाइन पे नहीं रखा है, तब नंबर ऑफ इमेजेस n होगी। फिर से सुनो, अगर n ऑड है तो दो केसेस होंगे, पहला केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो n माइनस वन होगी, और अगर ये ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं, कहीं भी हो सकता, इस जगह हो गया या इस जगह हो गया या इस जगह हो गया या इस जगह हो गया, यानी कि किसी भी जगह पर है, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस। अब इस बात को भी नोट करें, लिखें इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड इफ एन इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट इज इफ एन इज ऑड and object is if n is odd and object is if n is odd and object is not if n is odd and object is not on the angle bisector, if n is odd and object is not on the angle bisector, then n is odd and object is not on the angle bisector, then number of images are n, n is odd and object is not on the angle bisector, then
number of images are n. N is odd, and object is not on the angle bisector, then number of images are n is odd, and object is not on the angle bisector, then number of images are n. N is odd, and object is not on the angle bisector, then number of images are n. Agla point dekhe. If n is odd, and the object is, if n is odd, and the object is on the angle bisector, n is odd, and object is on the angle bisector, the number of images are, n is odd, and object is not on the angle bisector, the number of images are. Then he ulta bol diya. N is odd and object is on the angle bisector. यही बोले हैं सर, यही बोले हैं. तो ये बोले हैं, N is odd and object is on the angle bisector. Number of images are n minus one. नोट कर लिया? फिर से मैं पूरी बात बताऊंगा. पूरी बात ध्यान से सुनिएगा. पहला तो पॉइंट ये है कि अगर एन आ इवन आ गया सबको टेंशन नहीं है. एन इवन आ गया तो बात खत्म हो गई. नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो एन माइनस वन. एन ऑड आया तो दो केसेस बने. पहला तो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, एकदम बीचों बीच रखा होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन होगी. और ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो एन के बराबर. तो अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो दिक्कत. एक छोटा सा सवाल लिखो. इन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, एंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इफ, एंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इफ एंगल बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री. एंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इफ एंगल बिटवीन द मिरर कितनी इमेजेस बनेंगी अगर मिरर्स के बीच का एंगल जो है वो 60 है. 5 5 के बराबर. नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम एक नंबर निकालते हैं एन, और एन की वैल्यू होती है. अब अगर थीटा 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस इवन के केस में n माइनस 1 करती है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे नंबर ऑफ इमेजेस. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? फ्रैक्शन में हुआ तो उसके अलग रूल्स होते हैं. फ्रैक्शन के भी रूल्स होते हैं. अभी ये ऑड इवन का है, मैं फ्रैक्शन का रूल भी आपको बताऊंगा. वैसे फ्रैक्शन का रूल ये होता है ना कि नियरेस्ट इवन इंटीजर ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए 5.6 आ गया, तो 5.6 का जो नियरेस्ट इवन इंटीजर होगा, जो सबसे पास वाला इवन इंटीजर होगा, सिग्निफिकेंट नंबर उसका. हाँ, सिग्निफिकेंट नंबर सर. हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर जो नियरेस्ट होता है उसको लिया जाएगा. नहीं, नियरेस्ट इंटीजर. ओके सर, ओके. इंटीजर जैसे इसका रूल जो है मैं बता दूंगा. अभी ये ऑड इवन वाला हो गया, उसके बाद मैं बताऊंगा. आज का टाइम खत्म हो जाएगा. तो अगर एन इवन आ गया, 6 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो 6 माइनस 1 यानी 5. एक और सवाल लिखे. फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इफ एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 72 डिग्री. And the number of images if angle between the mirrors is 72 degrees. Mirrors के बीच का angle जो है वो 72 degrees है, तो number of images कितने होंगे? Sir.
सर ऑड आया है, फाइव आया है तो सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल? ये से इंफॉर्मेशन दे दीजिए सर, फाइव आएगा। सर अगर बाइसेक्टर पे होगा तो एक इमेज कम हो जाएगी, और अगर ऐसे हुआ तो एक वो एन ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो इसके अंदर आपने देखा जो ये वैल्यू आपने निकाली हो, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर एन की वैल्यू जो आई होगी 60 upon 72 60 upon 72 कितना पाएगा है। एक तो चार और एक चार कब होगा जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा होगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जो है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर। अब ऐसे ही बताएं, सवाल मत लिखें, एकदम ऐसे ही बताएं। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस बताएं, अगर थीटा जो है 120, अगर इनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, नंबर ऑफ इमेजेस सर दो या तीन? टू टू। अगर थीटा 120 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? दो या तीन। जब बोल दिया ऑब्जेक्ट एंगल है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे ना वो एन माइनस वन। आप बोले हैं बाइसेक्टर पे है। हाँ भाई बोला है मैंने, बोला है कि नहीं बोला? बाकी लोग बोले सर, बोले तब दो। 60 by 120 कितना हो गया 3। अब ये उन्होंने बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर है तो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है तो नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो तीन के बराबर हो जाएंगे। और इनमें जो के बराबर है तो इस तरह से ऑड और इवन के केस में हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस का कैलकुलेशन। फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, फ्रैक्शन में कि अगर मान लो कि ये चीज फ्रैक्शनल आती है, उसका स्पेशल मेथड होता है। स्पेशल तरीका होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया था ना आपको, समझ गए थे कि नहीं? व्हाट्सएप बुक के होमवर्क कैसे मिला था? yes, आज वैसे ही, आज वैसे ही मैं आपको एलएन की जो बुकलेट है, बुकलेट में से क्वेश्चन क्लिक करके और आपको आज दे दूंगा होमवर्क के फॉर्म में, तो वो जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। yes. जिसके पास होगी बुकलेट वो कर लेगा ना, वो चेक करके एक बार बोल को देता ही हूँ, एक बार टाइप करके आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज वन में आप कर सकते हो, पहले पहले पांच सवाल करो एक्सरसाइज वन, एल एन की बुकलेट अगर आपके पास है, नहीं है तो अभी मैं क्लिक करके भेज दूंगा, तो उसमें आप पहले पांच सवाल। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग कर लेते हैं, होमवर्क आप करके आइएगा, जो डाउट होगा उसे करिएगा।
हेलो हाँ सर बेटा आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। देखो ये कुछ दिख रहा है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ आज जब पढ़ाओगे ना जहाँ डाउट मतलब बोर्ड क्लियर नहीं दिखा मुझे बताना है। यस सर। चलो मैं पढ़ाता हूँ, देखते हैं फिर आजा। तो अभी जो है आप लोग सारे लोगों की आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। जहाँ पर आवाज नहीं आएगी ना आप हमसे बताइएगा, बीच बोल दीजिएगा, मुझे टोकिएगा कि आवाज कहाँ नहीं आ रही है। मतलब जैसे कल मैंने पढ़ाया तो बच्चे कहा था वीडियो अपना, उसमें क्या है कि क्लियर नहीं आ रहा था। अभी आज जहाँ डाउट होगा मुझे बताइएगा, जैसे ही क्लियर ना दिखे तो आप मुझे क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है? यस सर। यस सर। और लोग हैं? साक्षी? यस सर। श्रेया सिंह? श्रेया है? श्रेया कहाँ है? यस सर। श्रेया गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो तो आयुष कुमार सिंह, आयुष सही बोल रहा है, कहाँ गया आयुष? हाँ बेटा। हेलो। यस सर। चलो तो ध्यान सुनो, मैं आज आराम से श्लोक श्लोक पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेक्सुअल फंक्शन है उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन इवेंट्स होती है। पहले जो इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं होती है, एक गैमेटोजेनेसिस होती है, दूसरा गैमेट ट्रांसफर होता है। दूसरा जो इवेंट होती है फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, जिसमें जायगोट का निर्माण होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं और जायगोट का निर्माण होता है। तीसरा कहा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें जायगोट से इंद्रियों का निर्माण होता है। क्या जायगोट जो है यूनिसेलुलर है और इंद्रियों कैसा है? मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टीसेलुलर इंद्रियों का निर्माण होता है। इस तरह से सेक्सुअल फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, तीन इवेंट होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मेरा चेहरा साफ साफ दिख रहा है ना आपको? यस सर। यस सर। सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो बड़ी घटनाएं होती है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल फीमेल गैमेट के जायगोट का निर्माण करते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टीसेलुलर इंद्रियों का निर्माण होता है। क्लास में मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले पढ़ाया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको पढ़ाया था गैमेट का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है, कल वाला मैं रिवीजन करा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा तब आगे पढ़ाता हूँ। पेरेंट सेल अगर हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड माने यंग है, उससे गैमेट को बनाने के लिए माइटोसिस से क्लियर कर रहा हूँ। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है और उससे आपको गैमेट का निर्माण करना है, तो अगर कोई चीज यंग है तो यंग से यंग का निर्माण जो होता है गैमेट, मैंने बताया था कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है और उससे गैमेट का निर्माण होता है तो डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस है। मैंने पढ़ा था कि ये जो केस है मोलेरा का है, इसका का है, एंजाइम का है, रायोफाइट का है, एरियोफाइट का है। क्लियर हुई बात? अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है उससे गैमेट की निर्माण के लिए माइटोसिस होती है। लेकिन अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है उससे गैमेट का निर्माण होने के लिए मियोसिस होती है। मैंने बताया था ऐसे प्लांट जिससे सीड का निर्माण होता है, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया और मोस्ट ऑफ द एनिमल ह्यूमन के केस में। अगर आप ह्यूमन के केस में देखें तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर 46 क्रोमोसोम है अब बताइए ये 2n है कि n है? 2n है। 2n बराबर 46 क्रोमोसोम मेल में होता है। अगर मान लीजिए मेल में 46 क्रोमोसोम है, ऐसे आप समझिए इस बात को, अगर मेल में 46 क्रोमोसोम है तो मेल में लिखा जाता है कि ये 44 प्लस एक्स वाई है। अगर आप 44 प्लस एक्स वाई देखिए तो ये 46 नहीं तो हुआ। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है
ये जो 46 सेल वाली क्रोमोसोम है ये किस जगह पर कहाँ पाई जाती है, मेल में टेस्टिस से पाई जाती है। अगर आप इस पे देखें एक घटना होती है, अपलिकल वाली बात क्लियर कर लें, एक घटना होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें बड़ा मैंने लिखा है, बोर्ड पे इतना बड़ा दिख रहा है क्या, बोलो दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक 22 प्लस एक्स बनता है, दूसरा 22 प्लस बनता है। अगर आप देखिए लेकिन इसकी प्लाइडी क्या है, यन है, इन्हीं गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। बताइए ये जो प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में माइटोसिस हुई या मियोसिस हुई? मियोसिस। सर वीडियो फिर क्लियर नहीं है। भाई मियोसिस हुई तो यहाँ पर बहुत संख्या चल रही थी तो यस सर। ये देख रहे हैं आप क्या क्या देख रहे हैं? हाँ अभी दिख रहा है। और बड़ा अच्छा दिख रहा है। मतलब अगर सब क्वेश्चन हुआ है ये की बात मेल की कि फीमेल की, ये बात करें मेल तो मेल में अगर 46 क्रोमोसोम है और उससे गैमेट का निर्माण हुआ, ये क्या है, गैमेट है, इसी को आप स्पर्म कह सकते हैं। इसका मतलब मनुष्य में जो मेल होता है उससे दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक गैमेट बनता है जिसके 22 सब्जेक्ट होता है, एक गैमेट बनता है जिसके 22 प्लस वाई होता है, और दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम है, 23 बेटा यहाँ ये जो 44 है, ये 44 अगर आपको नहीं क्लियर है, इन 44 को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और जो ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप फीमेल केस देखें यहाँ पर जो ओवम बनती है, इस प्रक्रिया से इसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोर्ड पे क्या लिखा है कोई बताए, क्या लिखा है बोर्ड में? सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है। ये जो क्या कहते हैं बोलो तो, स्पर्म कहेंगे या ओवम कहेंगे? ओवम। ओवम कहेंगे। इसका मतलब अच्छा ये जो सेल्स है ये टेस्टिस, ये मेल में कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस से, और ये सब फीमेल में कहाँ पाई जाती है, ओवरी में, ना फीमेल से कहाँ पाई जाती है, ओवरी में। थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंड किया पेपर और सुन इसको क्लियर लिखूंगा। तो अगर आप सोचिए इन सेल्स को कल हम लोगों ने क्या कहा था, ये जो सेल्स है जिनमें 46 क्रोमोसोम है, इन सेल्स को हमने कल एक नाम दिया था मियोसाइट। क्या था? मियोसाइट। मियोसाइट्स के क्रोमोसोम हमेशा क्या होंगे, टू यन होंगे, और उन मियोसाइट्स के कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस होगी। जब मियोसिस होगी तो उनसे जो गैमेट्स बनेंगे उन गैमेट्स के क्रोमोसोम की संख्या मियोसाइट्स की सेम होगी, हाफ होगी या डबल होगी? हाफ होगी। हाफ होगी। अब हाफ होगी, ये क्लियर हो गया ना। अगर पेरेंट्स का डिप्लॉयड है तो डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा ना। पेरेंट्स का अगर डिप्लॉयड है तो डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगी। और अगर पेरेंट्स का डिप्लॉयड है तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। गैमेट की प्लॉयडी हमेशा क्या होगी, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड। गैमेट की प्लॉयडी हमेशा हैप्लॉयड होगी। तो कल मैंने आपका एक चार्ट बनाया जो कि कल थोड़ा क्लियर तो दिखता है ना, हम वो चार्ट आपका एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं, तब आपके आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि वही चीज दिखे। और जैसे बोर्ड पे थे आप मुझे फट से बताइए कि सर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, तब मैं इसको और अच्छा क्लियर करूंगा, आप मुझे बताइएगा बस। जैसे कल आपको याद हो तो
ये बोर्ड पे क्या लिखा है, मैं जो लिख रहा हूँ आप बताइए लोग पढ़ के, क्या लिखा है बोर्ड पे? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑर्गेनिज्म लिखा। ये बोर्ड पे क्या लिखा है? मियोसाइट ना। इन मियोसाइट से हम लोगों को देखना है क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या देखनी है। मियोसाइट से क्रोमोसोम संख्या में सब सीजन होगी। यहाँ तक बोर्ड में दिख रहा है, कॉपी पे इसे वो कैमरे में दिख रहा है? Yes, लेकिन अगर yes. गैमेट में प्लाइडी क्या होगी, तो यन होगी या यन होगी? यन, यन। गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या होगी, क्रोमोसोम की संख्या होगी यन होगी ना। जैसे कल मैंने आपको दो चार नाम बताया था, क्लियर कर लिया। सबसे पहले हम लोग अपनी बात करें, क्या लिखा है बेटा? ह्यूमन। मनुष्य के केस में जो मियोसाइट है उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। Yes. तो बताइए अगर 46 है तो गैमेट बनेंगे तो यहाँ पर 92 हो जाएगा या 23 हो जाएगा? 23 हो जाएगा। भाई अगर यहाँ सोचिए, अगर यहाँ क्रोमोसोम संख्या तो यह है, तो यहाँ कितनी हो गई? यन हो गई। तो यन से यन में डिवीजन कौन सा हुआ बेटा? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। ऐसे मैंने आपको एक प्लांट का नाम पढ़ाया था, बहुत बड़ा प्लांट का नाम था। ये देखिए, उस प्लांट का नाम था ऑफियो ब्लॉसम। ऑफियो ब्लॉसम पढ़ाया था। एशिया के लिए यहाँ कितना लिखा है? 630 गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या ना? यस सर, यस सर। रेयर दिखा बेटा? का वीडियो दिख रहा है? आपका वीडियो ही नहीं आ रहा। मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा है कितना है? 12। बोर्ड ही नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। दिख रहा है सर, 1260। अच्छा, कुछ लोग वेटिंग रूम में है ना, आप दिख रहा हो? यस सर, अब दिख रहा है? यस सर। नहीं सर, मेरे पे तो अभी। हाँ, अब दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है सर, क्या कर रहे हैं? दिख रहा है सर। चलो ठीक, आपके ब्लॉसम में, हाँ बताइएगा, आपके ब्लॉसम में मेरे पे फिर नहीं दिख रहा है। नेटवर्क दिक्कत है हमारे में, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। अब आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज जा रही मेरी? क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। बताना चाहे डाउट होगा मुझे बताना, संकोच मत करना। हम मेहनत भी करें, सीखने का प्रयास मकसद कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि आपको बेहतर कर पाए लॉकडाउन में। जब तक लॉकडाउन बंद है हमको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। आप लोगों ने एनसीईआरटी डाउनलोड किया है उसके मोबाइल में, जितने yes, ले रहे हैं? Yes, yes, sir. आप एनसीईआरटी पढ़ते भी होंगे? Yes, sir. अच्छा, जितने लोग मतलब क्लास में है, श्रेया तुमने डाउनलोड किया है एनसीईआरटी 12 वाली? आयुष भेजा है सर ग्रुप में। अच्छा, नहीं तो उसे डाउनलोड कर लो ना, मतलब अपने मोबाइल पे रखो। अरे पीडीएफ में भेजा है वो है। अच्छा है, अगर यहाँ गैमेट की संख्या 630 जो गैमेट है, इस ऑफियो ब्लॉसम में जो गैमेट है, इसके क्रोमोसोम की संख्या 630 है, इसके इस समय क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? मतलब 1260 होगी, मतलब डबल हो जाए, 630 का डबल 1260 हो जाएगा, यही होगा ना? ऐसा सोचिए, ये बोर्ड में क्या लिखा है बोलो? मतलब मटर का पौधा, मटर का पौधा में यहाँ पर इन्होंने बेटा 14 क्रोमोसोम लिखा है,
मतलब आपके जो आपकी जो सीआरटी चार्ट दिया गया है जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट में जो यहाँ लिखा है इसका डबल यहाँ हो जाएगा इस तरफ ना yes, और जो यहाँ दिया गया है इसका हाफ यहाँ हो जाएगा yes, आवाज क्लियर जा रही है मेरी जब आप यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना दिखता है साफ साफ कुछ देख लीजिए जो गर्मी की संख्या है उसका डबल मेरे साइड में हो जाएगा yes, sir. और जितना मेरे साइड से है उसका हाफ गर्मी के हो जाएगा yes, sir. आवाज आ रही मेरी तरफ पर yes, sir. Yes, sir. बोर्ड भी दिख रहा है यस सर बोर्ड भी मतलब मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना यस सर तो अब आपको मैंने ये कल आपको चार्ट पढ़ा दिया था तो आप अगर बताएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन सी घटनाएं होती है दो घटनाएं होती है एक गैमेटोजेनेसिस होता है एक गैमेट ट्रांसफर होता है तो गैमेटोजेनेसिस को हमने पढ़ा दिया अब आपको क्या पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर अब मैं इसको बिता देता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ गैमेट ट्रांसफर गैमेट का ट्रांसफर करते हैं अब आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दे तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है इस इवेंट में मैंने आपको दो घटनाएं पढ़ानी थी पहली घटना पढ़ाने से गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ाना था बेटा गैमेटोजेनेसिस अगर आप सही मैं इससे सही का निशान लगा दूं क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया अब आपको दूसरी घटना पढ़ाना है क्या पढ़ाना है बोलो गैमेट ट्रांसफर ठीक है बोर्ड से यस सर जो भी लोग इस तरह दिख रहा है बोर्ड पे या और बड़ा लिखा ना दिख रहा है ओके तो गैमेटोजेनेसिस तो गैमेट ट्रांसफर अब मेरे हिसाब से आपको पढ़ाना है गैमेट ट्रांसफर मैं इस स्टडी को फिर से मिटा के और आपको केवल गैमेट ट्रांसफर पढ़ाता हूँ यहाँ बड़ा लिख देता हूँ मैं ये देखिए गैमेट ट्रांसफर ये देखिए गैमेट का ट्रांसफर अब गैमेट ट्रांसफर में आपको क्या पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर में ये पढ़ना है मोस्टली जो होता है मोस्टली मेल गैमेट इज मोटाइल फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी जनरली ये होता है अब आप समझे कि मेल अच्छा बताइए आप लोग जितने लोग हैं ये बताइए कि मेल गैमेट के पास जाता है कि मेल गैमेट मेल गैमेट के पास आता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है अब बोर्ड पे अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो बताइए क्या लिखा है जनरली मेल गैमेट इज मोटाइल ज्यादातर ये देखा जाता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है स्टेशनरी अगर आपको स्टेशनरी वाले नहीं क्लियर आ रहा है स्टेशनरी माने होता है नॉन मोटाइल या फिक्स जो मूव ना कर सके और मोटाइल माने जो मूव कर सके जनरली अगर आप फीमेल के केस में देखें या अगर आप ह्यूमन फिगर को देखें तो बोर्ड में अगर आप देखते हैं ये ह्यूमन में स्पर्म है स्पर्म में क्या लगा है फ्लैजेला लगा है और ये क्या है ओवम लगी है तो बताइए ओवम और स्पर्म में कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है ओवम क्या है नॉन मोटाइल है तो यहाँ पर आप ये कंफर्म करें कि जनरली ये होता है जनरली ये होता है मेल गैमेट मोटाइल होता है फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है मेल गैमेट मतलब मूव कर सकता है और फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता है इसका एक्सेप्शन एनसीईआरटी में लिखा है मैं भी लिख देता हूँ एक्सेप्शन है टू एलगी एंड फंजाई टू एलगी एंड
फंजाई। अच्छा ये एक एक्सेप्शन में लिखा है, यहाँ लिखा है थ्री एलवी एंड फंजाई, इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शन। स्टेटमेंट ये है मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, तो यहाँ एक्सेप्शन का सेंस क्या है? एलगी कुछ एलगी है कुछ फंजाई है, इनके केस में ये चीज सही नहीं है। यदि सही नहीं है तो वहां पर मैं सीधे बात करता हूँ, घुमाता नहीं हूँ, कि कुछ एलगी है और कुछ फंजाई है जिनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाई है। फिर से कंफर्म करिए, अच्छा कंफर्म करिए, मेल गैमेट जनरली मोटाइल होता है। आवाज जा रही मेरी? यस सर। क्लियर जा रही? दिख रहा है सर। जनरली क्या होता है कि मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। मतलब मेल गैमेट मूव कर सकता है लेकिन फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता है। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि कुछ हेल्थी और कुछ फंजाई है जिनके केस में दोनों गैमेट मोबाइल, मतलब दोनों गैमेट मोटाइल है, दोनों मूव कर सकते हैं। पीछे आपको मैंने कहा था जितने एग्जाम जितने लोग पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एनिमल एक प्लांट का नाम बताया था, एलगी थी जिसका नाम क्लेडोफोरा था। क्या पढ़ा था बेटा? क्लेडोफोरा में अगर आपको याद हो तो मैं फिगर बना देता था, ऐसे मैंने गैमेट बनाए थे, ये देखिए। बताओ बेटा इन दोनों गैमेट को कौन सा गैमेट कहते हैं, आइसो गैमेट या हेक्सा गैमेट? आइसो गैमेट सर। दोनों मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? दोनों मोटाइल। मोटाइल दोनों मोटाइल है। क्लेडोफोरा एलगी है कि फंजाई है? एलगी है। एलगी है। एलगी है। उसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी एलगी है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल है, मेल भी मूव कर सकता है, फीमेल भी मूव कर सकता है। जबकि जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है। लेकिन क्लेडोफोरा के केस में क्या हो रहा है बोलो? मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल, दोनों मोटाइल। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या है? मोटाइल। इस तरह से आपको ये समझना चाहिए कि जनरली ये होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होती है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, लेकिन कुछ एलगी है कुछ फंजाई है इनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल है। उसका एक एग्जांपल ऑलरेडी इस क्लास में लिखा है, क्या नाम लिखा है बोर्ड पर? क्लेडोफोरा। और यहाँ पर ये बताइए मोनोफ्लैजेलेट है कि बाइफ्लैजेलेट है? बाइफ्लैजेलेट है। दोनों गैमेट बाइफ्लैजेलेट है। आपको आपको गैमेट ट्रांसफर में सबसे पहले ये तीन चार लाइनें नोट करनी है। आपको क्या नोट करना है, देखिए मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट फिक्स होता है, लेकिन कुछ एलगी है कुछ फंजाई है जिनमें मेल फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल है। एक एग्जांपल का लिखा मैंने क्लेडोफोरा, और ये क्या है? एक एलगी। क्लेडोफोरा क्या है? एक एलगी। नोट करेंगे इसको? यस सर। नोट कर लीजिए इसको, टॉपिक नोट करिए, सब आगे ले चले, क्योंकि जब आप नोट करेंगे ना जगह को अगर हम खड़ा कर भर देते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है, क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं जहाँ दिखाई नहीं पड़ता तो दिक्कत होती है, मैं चाह रहा हूँ कि सबका दिखता रहे। नोट करिए, मैडम ये बढ़िया ये सब
तो बेटा जनरली क्या होता है, मेल गैमिट क्या होता है, मोटाइल होता है। फीमेल गैमिट क्या होती है, बोल बेटा नॉन मोटाइल होती है। लेकिन कुछ हेल्थी और कुछ फंजाई है, इनके केस में मेल और फीमेल गैमिट दोनों मोटाइल है। क्यों क्लियर हुई ये बात? जनरली क्या होता है, बेटा आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं? अभी तो बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख नहीं। अच्छा अच्छा, ब्लड टाइप का दिख रहा है ना? यस सर। हां साफ साफ दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है ना? चलो ठीक है, इस बार और बराबर लिखते हैं। आप इसमें मेल गैमिट मोटाइल है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल है। अच्छा रुको, दूसरा और बड़ा लिखते हैं। आप हेडिंग डाले हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन की पे। अच्छा देखिए, दो नंबर और बड़ा लिखता हूँ, क्लियर हो जाए तो। एक्चुअली लिखना पड़ता है ना, तो जहाँ पर दोनों जैमिट जहाँ मोटाइल है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, जैमिट ट्रांसफर में जैमिट ट्रांसफर यहाँ बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे मैंने लिखा है? Yes, sir. अच्छा आइए थोड़ा के आधार पर गैमिट ट्रांसफर में देखिए। तो मैंने आपको कहा दिया कुछ गैमिट मोटाइल है और कुछ गैमिट जो है नॉन मोटाइल, मेल गैमिट मोटाइल है और फीमेल गैमिट क्या है, नॉन मोटाइल। तो और एक बात देखिए, देखिए द नंबर ऑफ मेल गैमिट इज कितना बोर्ड पे लिखा है, क्लियर दिख रहा है? यस सर, यस सर। द नंबर ऑफ मेल गैमेट इज 1000 टाइम्स मोर देन फीमेल गैमेट। मतलब ये हुआ कि जो मेल गैमेट की संख्या है, फीमेल गैमेट की संख्या कंपटीशन की कंपटीशन में 1000 गुना ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल्स में एक मिनट पर साइकिल में एक ओवम बनता है, एक मिनट पर साइकिल में कितना ओवम बनता है, एक ओवम, जबकि एक इजैकुलेशन में मेल में 6 मिलियन स्पर्म बनते हैं। फीमेल में एक निष्पर्म साइकिल में एक ओवम बनता है, जबकि मेल में एक इजैकुलेशन में 6 मिलियन स्पर्म बनते हैं। मतलब सोचिए कि मेल की संख्या पहले से बहुत लिखा है, द नंबर ऑफ मेल गैमेट इज 1000 टाइम्स, द नंबर ऑफ मेल गैमेट इज 1000 टाइम्स मोर देन फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट की संख्या है, फीमेल गैमेट की कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या होगा? भाई आप सोचिए कि फीमेल गैमेट की साइज, फीमेल गैमेट की संख्या एक है, मतलब एक होता है कि फीमेल्स में एक ओवम बनती है, एक मास ओवम बनती है, एक पूरा जो मेल का साइकिल होता है उसमें एक ओवम बनती है, जबकि एक इजैकुलेशन में, सिर्फ एक इजैकुलेशन में मेल को लगभग 6 मिलियन स्पर्म बनते हैं। तो सोचिए मेल में 6 मिलियन स्पर्म बनते हैं जबकि फीमेल में एक ओवम बनता है। तो बताइए ओवम की संख्या मेल गैमेट की संख्या ज्यादा है या फीमेल गैमेट की संख्या ज्यादा है? मेल गैमेट की संख्या ज्यादा।
मेल एलील की संख्या ज्यादा है, मेल एलील की संख्या ज्यादा है, और एनसीईआरटी ने कितने टाइम्स लिखा है? 1000 टाइम्स। देखिए द नंबर ऑफ मेल गैमेट इज 1000 टाइम्स मोर देन फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट की संख्या है फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है ना, ठीक है? ठीक है ये नंबर ऑफ मेल डायमेट इज थाउजेंड टाइम्स मोर देन फीमेल डायमेट, the number of male gamete is 1000 times more than female gamete, the number of male gamete is 1000 times more than female gamete. Dusra dekh beta, the size of female gamete is, the size of female gamete is bigger than male gamete. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इत्यादि बहुत बहुत सवाल लिखा है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ शायद बोर्ड पे कुछ क्लियर दिख जाए, अच्छे से आप सब देख जाए। पहला मैंने लिखा है नंबर ऑफ मेल गैमेट, सर बिगर देन मेल गैमेट होगा ना? हाँ सही है, ये देखिए the size of female gamete is bigger than male gamete. अगर आपको याद हो ना यहाँ बोर्ड पे दिखाया यहाँ तक, ये किसकी साइज है? ओवन की, किसके साइज है ये? ओवन की, है ना? Yes sir. ये साइज किसकी है? इस पर भी बताइए, ओवन बड़ी साइज क्या, किस पर बड़ी साइज? ओवन, ओवन, ओवन बड़ी साइज का, तो ओवन बड़ी साइज की लेकिन इस पर में छोटी साइज, ओवन बड़ी साइज का है और इस पर जो है छोटी साइज का है। इस तरह से अगर आप देखिए तो एडाप्टेशन एनिमल से कैसा है, एडाप्टेशन इस तरह का है, एडाप्टेशन इस तरह का है कि जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन्हें आप एडाप्टेशन देखिए गजब का है। एडाप्टेशन इस तरह की है कि मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की संख्या के कंपेरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अब उल्टा देखिए कि फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट के साइज से कंपेरिजन में काफी बड़ी होती है। अगर ऐसा होगा तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी सक्सेस रेट हाई होगी, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में प्लांट किंगडम में जो भी आप पढ़ते हैं उन सारे लोगों के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, मियासिस होती है, ऐसी जगहों पर ये एडाप्टेशन दिखाई जाती दिखाई पड़ती है जो बोर्ड पे लिखी गई है। और बोर्ड पे लिखा क्या है कि मेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की संख्या के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, और दूसरी बात लिखा है कि फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी, बड़ी। फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से बड़ी होती है, मतलब आपको बताऊं जैसे जनरल बात बता रहा हूँ स्पर्म इतने छोटे होते हैं कि उनके कंपेरिजन में जो फीमेल का ओवम होता है वो लगभग 1000 गुना बड़ा होता है। तो वैसे एक ओवम को ओवम ऐसे दिखती है जैसे बड़ी सी बॉल हो और उसके छोटे बगल बगल में छोटी छोटी पिन है, तो जो पिन लगाते हैं ना ये वो जो कॉफी ओपी की पिन लगाते हैं, इतना छोटा छोटा स्पर्म होता है लेकिन ओवम पूरी बॉल जैसी होती है, मतलब ओवम की साइज स्पर्म की साइज से 1000 गुना बड़ी होती है। लेकिन उल्टा क्या है, ओवन कितनी बनती है नेशनल साइकिल में एज, और स्पर्म बनते हैं 6 मिलियन, मतलब कितने गजब का एडाप्टेशन नेचर ने रखा है। एडाप्टेशन आप समझें कि मेल गैमेट की संख्या ज्यादा है तो फीमेल गैमेट की संख्या कम है, लेकिन फीमेल गैमेट की साइज ज्यादा है तो मेल गैमेट की संख्या कम है। ये कैसा एडाप्टेशन है, किसके लिए एडाप्टेशन है? ये एडाप्टेशन है नुकसान वो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट ट्रांसफर की, तो मोटा मोटा भी आपको मेरे हिसाब से मैंने जो जो पढ़ाया क्लियर करें। अब आज मेरी क्लियर जा रही है ना आप सब लोगों पर? यस सर। कितने लोग जितने लोग हैं सबको आवाज क्लियर जा रही मेरी? यस सर। यस सर। ये जो बोर्ड पे लिखा है आपने कहीं
उतना सा तो नहीं सर, पर काम चल जा रहा है। चलो ठीक, और भी साफ कर जाएंगे, और क्लियर करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि एक बार मैं रिव्यू दे देता हूँ। फीमेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट जनरली नॉन मोटाइल होती है, लेकिन कुछ हेल्दी और फंजाई केस में दोनों मोटाइल होती है। पहले ये पढ़ाया और दूसरा पढ़ाया कि मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की संख्या में ज्यादा होती है, लेकिन फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से फीमेल गैमेट की साइज मेल गैमेट की साइज से कम होती है। ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, गैमेट क्लियर हो गई ये बात। अब आप दूसरी बात देखो, अब आप दूसरी बात देखो, बिठा दूंगा इसको। यस सर, यस सर, ठीक है, आइए देखिए सर दूसरी बात देखिए। अब मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर आप फटाफट बता देंगे। एक चीज आपको मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ, ये देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है बेटा, एलजी। अब यहाँ पर एलजी नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ लिखा जाएगा कुछ फ्यू एलजी, फंजाई कुछ एलजी है। और ये देखिए फिशेस पर, फिशेस को आप फिशेस लिखते थे, किस चीज लिखते थे फिशेस के, आप फिशेस लिखते थे या किस चीज लिखते थे? अगर आप याद हो तो फ्यू एलजी है, फिशेस है एंड फ्रॉग। फ्रॉग को भी क्या कहते हैं, रखा जाता है किसको आप क्लास में, एम्फीबियंस में। अगर आप याद हो तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस। आप ये बताइए, पहले ये कंफर्म करिए जितने लोग पहले पढ़े हुए हैं, फ्रॉग के केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, ठीक है। आप देखें कुछ एल्गी है, कुछ मछलियां है और फ्रॉग है, इनमें जो है मेल या एसेस ले देख सकता हूँ, गैमेट इज ट्रांसफर, गैमेट इज ट्रांसफर बाय। अब मैं रोक देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ एल्गी है, कुछ मछलियां है, फ्रॉग है, किनके केस में? अब बताइए मेल गैमेट ट्रांसफर होगा, फीमेल गैमेट ट्रांसफर होगी? जनरली होता तो मेल गैमेट तो फीमेल गैमेट के पास आता है, लेकिन इस केस में मछली के केस में, एल्गी के केस में ये जो गैमेट है ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रांसफर बाय वाटर, वाटर के थ्रू, वाटर के द्वारा, बिल्कुल। ये अगर आपने एनसीईआरटी लिया है या आपने एनसीईआरटी डाउनलोड किया है, प्रीवियस मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपने एनसीईआरटी लिया है या उसकी आपको पीडीएफ है, आप प्लीज उसको जो है जब मैं पढ़ाता रहता हूँ या मेरी पढ़ाने के बाद आप उस पैराग्राफ को खोलती क्लियर किया करिए कि एनसीईआरटी मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी से लिख रहा हूँ और आपको मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। एलगी के केस में, फिश के केस में, फ्रॉग के केस में तो एलगी को वाटर के द्वारा ट्रांसफर होगा, मतलब पानी वह एक माध्यम है, पानी के द्वारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है। और फ्रॉग के केस में उतनी फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं है, फ्रॉग के केस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात आप जरूर समझिए, क्योंकि जो दूसरा में बोल रहा हूँ तो आपको दिख रहा हूँ, मैं क्लियर तो दिख ही रहा हूँ तो बोल रहा है। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। यहाँ पर जो प्रेमी बन रहा है तो दोनों प्रेमी पानी में है, पानी में है दोनों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? एक्सटर्नल होगा। तो अब आप सोचिए कि जिस समय मेल गैमेट बने, जिस समय मेल फ्रॉग में मेल गैमेट बने, उसी समय फीमेल गैमेट बने, मतलब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन सेम टाइम हो। अगर सोचो स्पर्म जो है 10 दिन पहले बन गया, ओवम 10 दिन बन गई, तो ऐसे में टेंशन कुछ नहीं मिल पाएगा आपने? लगता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से आए बने और सेम टाइम ही वाटर में रिलीज हो गया है? भाई सोचिए अगर मेल गैमेट फीमेल सेम टाइम में बने, एक स्पर्म 10 दिन पहले बना
ओवम जब दिन बाद बनी तो ऐसे में कभी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से इन एनिमल के केस में जो लिखा है नाव एल्गी के केस में, फिश के केस में, बाघ के केस में, यहाँ पर जो मेल गैमेट का है या जो गैमेट का ट्रांसफर है किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा, इसलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट का मेशन है जो उनका ट्रांसफर है वो सेम टाइम में होगा। जब हम पार्टनर में ट्रांसफर के टाइम होगा तो अगर वे फर्टिलाइजेशन बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए एडमिशन है और उनका जो ट्रांसफर है सिंक्रोनस होगा, एक साथ ट्रांसफर होगा, एक साथ ट्रांसफर चाहिए। लेकिन मैं अगर सब पूछूं अब आप ऐसे लेंगे हम देखेंगे क्या फोर्ड एनडी पहले सपोर्ट लिया है ब्राउन स्टेट एनडी के लिए फाइट के केस में क्या चीज बेटा एडो फाइट के केस में एडो फाइट के केस में और एनजे कम केस वो सुना है पॉलिनेशन सुना है और बेटा क्या कभी आपने ये सब सुना है पॉलिनेशन? यस सर। पॉलिनेशन सुना है तो देखिए फंजाई के केस में, ब्रायोफाइट के केस में, टेरिडोफाइट के केस में, एंजियोस्पर्म केस में पॉलिनेशन होता है। कोई आप लोगों ने जितने भी क्लास दे रहे हैं बता सकते हैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? The transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma. तो देखिए आप तब मैं इसका समझा रहा हूँ। फंजाई के केस में, ब्रायोफाइट के केस में, पेडोफाइट के केस में, इंजीज फ्रॉम केस में पॉलिनेशन होता है। मतलब ये जो पॉलिनेशन होता है ये इंसेक्ट के द्वारा होता है। लेकिन एल्गी के केस में, फिशेस के केस में, फ्रॉग के केस में, एमिड किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है? वाटर। अभी बताइए जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी है मैंने काफी बड़े लिखे हैं आप जिधर आप बोर्ड पर लिखे दिख रहे हैं दिख रहा है छोटा दिख बीच कर दीजिए नहीं सर नहीं दिख अच्छा मैं आऊँ लगा देता हूँ इसमें ऐसे रिपीट करा देता हूँ इसे आप याद कर लीजिए आप ऐसे सुनिए याद रखिए आवाज आ रही है ना मेरी दोनों
होना चाहिए, बट इन केस ऑफ इट प्लांट डैमेज इज कॉज्ड बाय पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन पॉलिनेशन माने क्या होगा, पॉलिनेशन क्या है, ये देखिए ये पॉलिनेशन का आइडिया है। कोई कहना चाहता है कि ये जो फिगर मैंने बनाया है ये ऐसी फिगर देखिए, छोटा फिगर देखिए, ये ऐसी फिगर है और इस फिगर में देखिए ऐसे ये ऐसे एंसर है, ये एंसर है। ये मेल से खाली है कि फीमेल है, मेल में मेल। अगर आपको सबसे एक दूसरे का इंडस्ट्रियल कहते हैं बेटा पॉलिंग है, पॉलिंग इन्हें कहते हैं पॉलिंग ग्रेन, इसलिए इनका इनका निर्माण किसका हो रहा है एंसर। इन्हें पॉलिंग ग्रेन को सामान्य भाषा में या बायोलॉजी की भाषा में माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ये एंसर है, ये इसके स्टार्च है, ये स्टार्च है, यहाँ से पॉलिंग ग्रेन का निर्माण हो रहा है। ये मेल है कि फीमेल है, कार्बन है प्लांट ऐसे ही। अगर इसको ये स्ट्रक्चर पूछू बोर्ड पे दिखाई तो बना रहा हूँ मैं, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। हाँ बेटा बोलो सोसाइटी में पोलन ग्रेन को गैमेटोफाइट बोला है। हाँ हाँ गैमेटोफाइट ही है, गैमेटोफाइट पूरे प्लांट में है, लेकिन पोलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को माइक्रोजेनेसिस है, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। अभी आप ये देखिए जो बोर्ड पे बना है, अगर आप ये देखिए फिगर, इस पूरे फिगर को हम लोग पिस्टल कहते हैं। अभी बोर्ड पे दिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पे दिख रहा है, अगर आप इस पिस्टल को देखें यहाँ पर जो पॉइंट होगा इससे स्टिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्टिग्मा। ये जो बीच के पार्ट होता है इसे स्पाइन कहते हैं, नीचे के जो पार्ट होता है इसे ओवरी कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे स्ट्रक्चर को लोग पिस्टन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पिस्टन। तो ये सोचिए ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये जो बना है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मैं यहाँ से माइक्रोस्कोप हटा देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे, मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। बताइए पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंसर क्या हो रहा है, लेकिन बनने के बाद इसका ट्रांसफर कितने हो रहा है, स्टिग्मा। कंफर्म करो अगर पॉलन ग्रेन का निर्माण तो एंसर पे हो रहा है। ये भाई पूरे स्ट्रक्चर को अगर और क्लियर कर देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं और इसके इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंसर कहते हैं। यहाँ बता इस स्ट्रक्चर को एंसर कहते हैं। सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिंग ग्रेन का निर्माण कहाँ हो रहा है, एंसर है, बोलो बेटा, पॉलिंग ग्रेन का निर्माण कहाँ हो रहा है, एंसर है, लेकिन उनका ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे, तो जब ये पॉलिंग ग्रेन एंसर से बन के स्टिग्मा पे जाते हैं इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के, कहते हैं पॉलिनेशन। फिर से सुनिए, अगर स्टेमन के एंसर से पॉलन ग्रेन के लिए हुआ है और वो पॉलन ग्रेन इस एंसर से मूव करके किस 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 पार्ट पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो इस एंसर से स्टिग्मा के मूव करने के पॉलिनेशन पॉलिनेशन। अब आप लोगों ने कोई बता सकता है कि
मटर का जो पौधा है वो बाईसेक्सुअल। मटर पौधा कैसा है?
बाय सर। लेकिन आप बताइए पपीते का पौधा मोनोसेक्स होता है, बाइसेक्सुअल होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है? एक चीज का सर, पपीते का तो यूनिसेक्सुअल होता है। वहाँ पर बताइए वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, अगर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स पार्टनर मिलते हो सेल्फ पॉलिनेशन, और अलग अलग फ्लावर में अलग अलग सेक्स पार्टनर से कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन बताइए किस फ्लावर में पाया जाएगा, यूनिसेक्सुअल में कि बाइसेक्सुअल में? चलिए तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन विधि क्या है। पॉलिनेशन क्या डेफिनेशन लिख लिया है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख लिया है ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन में पहला पॉलिनेशन लिखिए डेमी, वो पॉलिनेशन मुझे दिख रहा सबको? यस सर। ऑटो माने सेल्फ होता है, डेयरी माने मैरिज होती है, मतलब अगर इसका लिटरल मीनिंग करते हैं तो मैरिज क्योंकि एक एक साल में दोनों का स्ट्रक्चर है ना भाई, क्यों? यस सर। तो लिखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल पी प्लांट, ये लिखेंगे पी प्लेस एनसीआर में लिखा होगा बहुत अजीब आवाज आ रही है। दीपाकर कैसे चल रहा है सर? जैसे लग रहा है बहुत बड़ा मोबाइल फ्रेन चलाएंगे, उसको लगा के अभी दुकानें भी बंद रही, बड़ा मोबाइल यार से दूर चले गए ना इसने, मतलब इतना मेहनत करने के बाद कभी क्वेश्चन पूछना रुक जाइएगा। हाँ जी इनको पूछूंगा, पूछूंगा मैं अभी करूंगा, एक दूसरा और लिख लेता एक इसका दूसरा टाइप लिख कम कर दिए तो मुझे दूसरा कौन निकल कर एलोबेरी, एलोबेरी में कोई आप लोगों ने बता सकता है इसकी डिस्कशन चाहिए, इससे कम लोग क्या पॉलिनेशन कहते हैं? वीडियो का है ऑन कर बेटा, सुनो फिर से ट्रांसफर ऑफ वॉलेंटियर डिफरेंट पावर Different flower. हाँ लिखो यही चीज़ है। आंसर ये एलो वाले डिफिशन लिखो। आंसर ऑफ लैंड्रेन हम नहीं लिखना। तो दिस सिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर।
transfer of pollen grain from the cell to the stigma of different flower. अच्छा आप different flower आप smell करते हैं different करते हैं. किसी से smell होगी ना यार. डिफरेंट फ्लावर एग्जाम्पल सफेदा दिख रहा है सर. दिख रहा है और आवाज भी काफी क्लियर है. मैं इसको थोड़ा और डेवलप करता हूं. आवाज क्लियर से नहीं, कहीं से नॉइस आ रहा है कब से? नहीं सर, मतलब ये सही हो जाएगा. मैं सबसे प्रॉब्लम पकड़ तो ये निकाल तो बोर्ड पे लिखा हुआ है. यस सर. आप क्वेश्चन आप चाहे तो पत्र भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी मुझे अलग से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. ठीक है तो मैं आप उसे पर्सनल व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा और अगले सब जो है ना. ठीक है मैडम. यस सर. ठीक है क्योंकि अभी अगले तो मैं बच्चे की मैं क्या करूँगा आप उसे पक्ष में पूछ लीजिएगा. आपको बता ठीक है. ठीक है सर. इनको भूल नहीं पड़ा. रहता है बोलिए उसे. हेलो हेलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग. सब हैं कि चले गए? चले हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी और बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है ना, एट ऑल कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. अच्छा ध्यान रखिएगा आइडियल सॉल्यूशन की बात हमने जब की थी तो बोला था कि जो ए ए बी बी और ए बी इंटरेक्शंस हैं वो सेम होंगे और इंटरेक्शन सेम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट हैव सिमिलर शेप साइज एंड कैरेक्टर, है ना. अच्छा ये भी हमने देखा था कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्स जीरो था, डेल्टा एच मिक्स भी जीरो था. इसके बाद हमने एक कंडीशन बोला था कि वो जो ए और बी है उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. साथ में ये भी बताया था ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इक्वल, है ना. ऑब्जर्व्ड वेपर यानी वो कंडीशन पी ए इज पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यानी यही रॉल्स लॉ है जो इसको ओबे करेगा उसको आइडियल बोलेंगे. वही से हमने कंक्लूड करा था कि ऑब्जर्व्ड
boiling point is equal to calculated boiling point. ये conditions लिख लिए थे ना हमने सारे characteristics. हाँ, अब आज हम लोग पढ़ेंगे very important और वो पढ़ेंगे non-ideal solution. तो heading बना लेंगे non-ideal solution. Non-ideal solution. अब ये क्या है non-ideal solution, इसकी बात करते हैं. अब सुनिएगा ध्यान से, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा मतलब कि जो P टोटल है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा. अब अगर इक्वल नहीं होगा तो P टोटल जिसको आप ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बोल रहे हो या तो वो ग्रेटर होगा कैलक्यूलेटेड से या तो लेस देन होगा कैलक्यूलेटेड से. अगर ग्रेटर होगा कैलकुलेटेड से तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और अगर लेस देन होगा तो निगेटिव डिविएशन. समझ रहे बात को? Yes, sir. हम कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर यानी जो पी टोटल है अगर वो ग्रेटर है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से जिसको आप कैलकुलेटेड बोल रहे हो तो वो होगा पॉजिटिव डिविएशन और अगर लेस देन है ऑब्जर्व तो उसे बोलेंगे निगेटिव डिविएशन. है ना? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. लिखा आपने? Yes, sir. इसमें लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में शोज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन. शोज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन. आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. फ्रॉम रॉल्स लॉ. अब हेडिंग बना लेंगे पॉजिटिव डिविएशन. हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव डिविएशन. अब सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव डिविएशन कहने का मतलब कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वेपर प्रेशर का उससे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा है तभी बोल रहे हैं पॉजिटिव डिविएशन. अब आप बताओ ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा तभी होगा जब ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा. क्योंकि अगर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा. यस और नो? यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन तभी होगा जब ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शन. ये समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि ए बी इंटरेक्शन कमजोर होगा मिक्सिंग के बाद जो इंटरेक्शन है वो कमजोर है तभी ना मिक्सर का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आएगा. हम ये कह रहे हैं कि ए बी इंटरेक्शन अगर कमजोर होगा तो ए और बी के वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और अगर वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डिविएशन होगा रॉल्स लॉ से. पॉजिटिव डिविएशन का मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर. आप हमें ये बताओ जब आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इंटरेक्शन देख रहे हो कि बस एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी का वैल्यू रख रहे हो? इंटरेक्शन नहीं, आप सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी का आप वैल्यू रख रहे हो और आप कैलकुलेट करके वैल्यू बता दे रहे हो. बट एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इंटरेक्शन पे. तो हम कह रहे हैं कि जब हम वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है वो कम है जबकि एक्चुअल वैल्यू वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि ए बी इंटरेक्शन कमजोर है और उस कमजोर इंटरेक्शन को तो आप कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव डिविएशन है रॉल्स लॉ से तो उस केस में क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन वीकर. तो लिखेंगे इसमें पॉजिटिव डिविएशन में, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव डिविएशन. हेडिंग बना लिया है ना? यस सर. हाँ, इसमें लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ
the strength of AB interaction, strength of AB interaction, capital A hyphen capital B, strength of AB interaction is weaker than AA or BB interaction, is weaker than AA or BB interaction. तभी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमें ज्यादा मिल रहा है कैलकुलेटेड से, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ पे. अगर इंटरेक्शन वीक है तो ज्यादा वेपर बनेगा, और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. वीकर इंटरेक्शन का मतलब यही हुआ ना कि वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो मोर वेपर प्रेशर. क्लियर है? आप हमें ये बताओ कि अगर ए बी इंटरेक्शन वीकर है तो हम यही बोलेंगे ना कि ए और बी जब पास आए थे तो कम एनर्जी रिलीज हुई. और ए और बी बी इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी. ओवरऑल ये बोल सकते हैं, हाँ ओवरऑल बोल सकते हैं, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक. क्योंकि आपने 10 जूल दिया और रिलीज 8 जूल ही हुआ, तो आप तो यही बोलोगे कि 2 जूल प्रोसेस में दिया हमने. यानी अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0. पिछली बार इक्वल टू 0 था. डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, that is heat is absorbed. Clear है? Yes. चलिए अब आप बताओ अगर ए बी इंटरेक्शन वीक है तो ए और बी मॉलिक्यूल्स पास पास की दूर दूर. अगर ए बी इंटरेक्शन वीक है तो ए और बी मॉलिक्यूल्स पास पास की दूर 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 दूर, और अगर दूर दूर, और अगर दूर दूर होंगे तो बताइए वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं ऑन मिक्सिंग. और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेल्टा वी मिक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0. अच्छा डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. यस सर, लिख लीजिएगा बगल में डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, इसी को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तब ना चेंज पॉजिटिव होगा. यस और नो? अब सुनिएगा ध्यान, अब मैं यहाँ पे अब देखना, अब देखो पिछली बार हमने लिखा था, सबको दिख रहा है जहाँ पे पेन है हमारा? yes, sir. पिछली बार हमने लिखा था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, याद आ रहा है जब हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. इस बार देखिए मैंने क्या लिखा, ये ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी. तो बताइए पी टोटल ग्रेटर होगा कि नहीं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से. अच्छा ये पी टोटल क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, और ये क्या है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर. तो बताइए ऑब्जर्व्ड ज्यादा हुआ कि नहीं कैलकुलेटेड से. अब आइए ग्राफ पे, इस तरफ देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है गौर से देखिएगा, ये वाला, ये क्या इसी को हम बोल सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए? ये जो स्ट्रेट लाइन है, और इस वाले स्ट्रेट लाइन को हम बोल सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी. तो हम कह रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो रॉल्ट्स लॉ है. Yes, sir. जिसको आप कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, है ना? अब देखिए अगर पीए ग्रेटर है तो पीए देखिए ये कर्व ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर बनाया मैंने इस तरह से,
ये देखा सबको, ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर ऐसे एक जा रहा है कर्व। सिमिलरली इस वाले के लिए देखिए, ये स्ट्रेट से ये ऊपर जा रहा है। अब तो ये जो मैंने थोड़ा सा ये इसको आप क्या बोल सकते हो, ये थोड़ा सा इंक्रीज है स्ट्रेट ना होके ये ऊपर से पास हो रहा है, तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, पी ए और पी बी, तो ये क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, जिसको आप पी टोटल बोल रहे हो। ये समझ में आया, हम कह रहे हैं कि पी ए ये ऑब्जर्व्ड है, ये वाला जिसपे मेरा पेन चल रहा है ये ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्व्ड है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, कैलकुलेटेड। आप बताइए अगर पार्शियल वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से, तो ऑब्जर्व्ड टोटल वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसको बना लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है ग्राफ। सर एक डाउट था, हाँ, कि ए बी इंटरेक्शन जब ए ए बी बी से कम है तो कैसे वो पॉजिटिव होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, आप बताइए अगर ए बी इंटरेक्शन कमजोर है, मतलब मिक्स करने के बाद वाला जो इंटरेक्शन है वो कमजोर है, और अगर इंटरेक्शन कमजोर है तो वो साथ नहीं रहना चाहेंगे, यानी वो वेपर बना लेंगे आसानी से, और वेपर प्रेशर होता किसका है, वेपर का होता है, तो अगर वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो वेपर ज्यादा बनेगा, और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ने को हम पॉजिटिव डिविएशन बोल रहे हैं, घटने को निगेटिव डिविएशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ये ग्राफ बना दीजिएगा, ये ग्राफ बना के और बगल में ये जो लिखा है इसको लिख लेना, दिख रहा है सबको। यस सर। जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में वो कैलकुलेटेड है, और वो जो हाफ मून आप इसे बोल सकते हो, नहीं हाफ मून जैसा शेप है इस तरह से, हो सके तो वो जो डिविएशन है उसको आप दूसरे पेन से बना लो, हमारे पास एक ही पेन था तो हमने उसी से बना लिया है। मना सबसे, आगे चले। यस सर। अच्छा तो आप बताइए P टोटल कौन सा वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड की कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड, और ये P नॉट A x A प्लस ऑब्जर्व, ये
पी टोटल ऑब्जर्व्ड है और पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी क्या है, कैलकुलेटेड है ना। ये समझ में आया, कोई आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव डिविएशन जो है उसमें अगर वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, रीजन आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन है वो कमजोर है ना, और कमजोर है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और मोर वेपर, हाँ बस एक लाइन आप ध्यान रखना, मोर वेपर मींस मोर वेपर प्रेशर है ना। नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ग्रेटर देन कैलक्यूलेटेड वेपर प्रेशर, शॉर्ट में वीपी लिखिएगा, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर greater than calculated vapor pressure, observed vapor pressure greater than calculated vapor pressure हो जाएगा। सोच के बताओ तो observed boiling point क्या होगा, less हो जाएगा, याद आ रहा है अगर vapor pressure ज्यादा तो boiling point कम होगा, हाँ क्योंकि boiling point, क्योंकि यहाँ पे वेपर बनाने की टेंडेंसी पहले से ज्यादा है तो लेसर टेम्परेचर पे ही बॉइल करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, कोई डाउट है? एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए पॉजिटिव डिविएशन का, पॉजिटिव डिविएशन का लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है इसका, लिखिएगा एग्जाम्पल में। अच्छा डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स भी क्या होगा, डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो और डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो, वो भी नोट कर लीजिए। क्या हुआ, यही तो पहले में था ना, हाँ यही यहाँ भी होगा, मैंने आपको बताया था डेल्टा एस मिक्स जो होता है, अभी आगे हम बताएंगे इसको, अभी आप नोट कर लो एंट्रोपी चेंज है, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस मिक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो है ना, और डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो, डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो, ठीक है। अब सुनिए एग्जाम्पल एक इसका बहुत फेमस है, लिख लीजिएगा इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, एग्जाम्पल लिख लीजिए इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन HEXANE, हेक्सेन एल्केन वाला सिंगल बॉन्ड है ना, एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। अभी एक ही एग्जाम्पल लिखो, आगे और बताएंगे है ना, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा निगेटिव डिविएशन। अब इसको शायद आप खुद ही बता दोगे पूरा निगेटिव डिविएशन का, नहीं हेडिंग बना ले निगेटिव डिविएशन। चलिए पहले स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बताइए, ज्यादा होगा, हाँ यानी यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ मोर होगा देन ए और बी बी इंटरेक्शन। तो नेगेटिव डिविजन का फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ए बी इंटरेक्शन मोर देन ए ए और बी बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन more than AA or BB interaction, more than AA or BB interaction, आप बताओ अगर AB interaction stronger है तो ज्यादा energy release होगी, overall process exothermic होगा। तो next point लिखेंगे delta H mix less than zero, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा लेस देन जीरो, कॉमा करके लिख लेंगे हीट इज इवॉल्व्ड, कॉमा करके लिख लेंगे हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड,
चलिए आप बताओ, अगर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स पास पास, तो हाँ तो वॉल्यूम कम, तो डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा लेस देन जीरो, ऐसी को आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, लिखते चलिए, समझ के करना है, याद नहीं करना है कुछ भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। हाँ चलिए अब फिर से आते हैं उसी ग्राफ पे, इस बार हमारा जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, नेगेटिव डिविजन की, तो देखिएगा ध्यान से, सबको दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे फिर से मैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये वाला और ये किसको शो कर रहा है, कैलकुलेटेड को, इस बार देखिए पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, तो पी टोटल इस बार लेस देन हो जाएगा, तो इस बार देखिए मैंने ये जो बनाया है जो हाफ मून है वो देखिए नीचे की तरफ है ना, तो पी टोटल भी क्या होगा कम हो जाएगा, तो ये निगेटिव डिविएशन का ग्राफ हो गया, बना लीजिए इसको, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी बन जाएगा, ये नीचे की तरफ होगा, इस बार नेगेटिव डिविजन है तो कम आएगा वैल्यू, है ना, ये ऑब्जर्व्ड को बता रहा है और ये स्ट्रेट लाइन रॉल्स लॉ को बता रहा है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन नॉन आइडियल जो है वो या तो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा या नेगेटिव डिविएशन। डिविएशन को हो सके तो दूसरे कलर के पेन से शो कीजिए ताकि वो क्लियर दिखे आपको। दिख रहा है सबको? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. चलिए तो अब आप इस पर लिख लो, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, निगेटिव डिविएशन है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, लेस देन कैलक्यूलेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, तो बताइए ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इस पर क्या होगा, ग्रेटर, लिख लीजिए ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन कैलक्यूलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन कैलक्यूलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, और फिर से लिख लीजिए डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो और डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो,
हो जाएगा। यस सर। तो ये था हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, कहीं कोई डाउट है एकदम शुरू से पढ़ो, जहां से आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डाले वहां से यहाँ तक। दो मिनट का टाइम है, पढ़िए, कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए। कोई डाउट है कहीं पे? नो सर। चले आगे। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, बहुत फेमस एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 नेगेटिव डिवीजन का, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन। एसीटोन होता है डाइमिथाइल कीटोन, CH3COCH3। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। बाकी और भी है एग्जांपल, उसका हम आपको ट्रिक बता देंगे वो लास्ट में, अभी नहीं, है ना, जिससे आप आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन कर लो। बाकी जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो हो ही जाएंगे, सारा समझा दिया। एग्जांपल लिख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अब देखो थोड़ा सा समझते हैं ये डेल्टा एस और डेल्टा जी को। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। अगर आपसे कोई पूछे एंट्रोपी है क्या, तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस को मेजर करता है। रैंडमनेस मतलब, रैंडमनेस मतलब हो कह सकते हो आप डिसऑर्डरनेस, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कि रैंडम मोशन, मोशन को मेजर करता है। आप सोच के बताइए, जब ए अकेला था, बी अकेला था और ए बी को आपने मिक्स किया, तो मिक्सिंग करने के बाद रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। सोच के बताइए, बढ़ेगा तो। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले दोनों लिक्विड्स जो थे, पहले दोनों लिक्विड्स अकेले अकेले थे, अब दोनों लिक्विड्स साथ आए, रैंडमनेस बढ़ेगा या घटेगा? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। अब तो जब दोनों लिक्विड साथ आए तो दोनों को नया एनवायरनमेंट मिला। Yes, sir. आप सोच के बताना, किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाने के बाद रैंडमनेस घटता है कि बढ़ता है? घटता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो मैं बनारस ही रह रहा हूँ काफी वक्त से, तो बनारस मुझे देखा हुआ है, तो मैं आराम से एक जगह जहां भी रह रहा हूँ आराम से रहूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने देख लिया। मैं अचानक से दिल्ली पहुंचा, तो वहां जाके भी एक कमरे में बंद हो जाऊंगा क्या? आप जब नई जगह जाते हैं तो एक क्यूरियोसिटी होती है उस जगह को जानने की। Yes, आप इधर उधर मूव करते हो, मूवमेंट बढ़ता है कि नहीं नए जगह पे? बढ़ता है। Yes, sir. घटता है मूवमेंट नई जगह पे, तो गए फिर क्यों, तो जहाँ थे वहीं रहते हैं। शर्माते हैं बहुत लोग।
नहीं ऐसा नहीं, वो कोई स्पेशल केस की बात हम नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं कि जब भी कोई नया इन्वायरमेंट हमें मिलता है तो हम उस इन्वायरमेंट को जानने के लिए उसमें मोशन हमारा बढ़ जाता है, और मोशन बढ़ना उसी को मेजर करता है एंट्रोपी। तो बताइए मिक्सिंग होने पे एंट्रोपी बढ़ गई, yes, sir. और अगर एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा कि नहीं? yes, sir. बोलो, समझ रहे बात को? तो इसीलिए हम कह रहे डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब सुनिए, डेल्टा जी जो होता है ये मेजर करता है स्पॉन्टेनिटी को। अब आप बताओ मिक्सिंग प्रोसेस नेचर में हो रहा है कि नहीं? अरे जो नेचर में हो रहा है उसी को तुम साइंस में पढ़ते हैं, आप सोच क्या रहे हो? नेचर में नहीं होता मिक्सिंग, दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते क्या? होता है। हेलो, होता है सर। हो रहा है मतलब मिक्सिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा मिक्सिंग पे एंट्रोपी बढ़ता है और जो फ्री एनर्जी है वो घटता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो, फिर बोल रही है मिक्सिंग पे। तो हम वही कह रहे हैं कि ऑन मिक्सिंग एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, फ्री एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी मिक्स लेस देन जीरो। तो नीचे ये कंप्लीट हो गया। अब एक नए लाइन से एक नया पॉइंट लिखिएगा, लिखेंगे डेल्टा एस इज पॉजिटिव। डेल्टा नया लाइन से लिखना है, ये उसमें नहीं है, नया पॉइंट है। डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। For both ideal hello yes sir वो बीच में नेटवर्क चला जा रहा है। लिखा आपने डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हो जाएगा? आप सुनिएगा ध्यान से। हमने एक बात बोली थी कि अगर कोई कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा। हाँ, उस पॉइंट को भी लिख लें। लिखेंगे The vapor phase is richer in richer. The vapor phase is richer in more volatile component. The vapor phase is richer in more volatile component. This is called novo law rule. This is called spelling likhenge K N O W O L O F F. हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ द वेपर फेज इज रिचर इन
more volatile component. This is called Novolov, K-N-O-W-O-L-O-F-F. Novolov's rule, apostrophe E-S. Novolov's rule. Ek bar padh lenge statement. Padhiyega isko. Vapor phase is richer in more volatile component. It's called Novolov's rule. Clear hai? Ho jayega? Yes, sir. Chaliye. To ye tha hamara ideal and non-ideal solution. Chaliye. अच्छा ध्यान रखना है अभी जो भी हमने आइडियल नॉन आइडियल की बात की ये दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं मतलब ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए ठीक है ये पॉइंट ध्यान रखना है इट्स फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम लिक्विड ए और लिक्विड बी इनको मिक्स कर रहे थे नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव सी ओ डबल एल आई जी ए टी आई वी ई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज colligative properties of dilute solution colligative properties of dilute solution heading bana liya sabne yes sir boliye acha dilute solution dekhi bas ye portion aapko likhna hai dekha aapko kya likha hai maine non volatile हेलो यस सर यस सर हाँ तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो लिखा है ये जहाँ पेन चल रहा है वो देखिएगा लिखा है मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी हमारा यहाँ सॉल्यूशन कैसा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट और उसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन उन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन तो बस आप ये वाला पोर्शन नोट करना हेडिंग बनाया आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट और इसी को हमने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया है और फिर लिखा है सॉल्यूशन इसी को हम क्या कह रहे हैं सॉल्यूशन लिख लिया सबने यस सर यस सर यस सर यानी कि अभी जो भी बात हम करेंगे सॉल्यूशन की तो आपको खुद समझना है कि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल डाइल्यूट का मतलब आप समझते हैं वो सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम होगा उसी को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन यस सर चलिए डेफिनेशन लिखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on relative number of solute particles. Properties of solution which depends on relative number of solute particles. Which depends on relative number of solute particles. Bracket में लिख लेंगे small n upon capital N. याद कीजिए moles of solute upon moles of solvent. Bracket और bracket close कर देंगे तो आपसे कोई पूछेगा relative number का मतलब तो हो जाएगा yes, relative sir. number का मतलब क्या हुआ small n upon capital N. है ना तो प्रॉपर्टीज रिलेटिव का मतलब बताया था मैंने किसी के रिस्पेक्ट में है ना तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ व्हिच डिपेंड्स ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रैकेट में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स and not on the bracket close karke and not on the nature of solute particles ek baar definition padhiye sab log
properties of solution which depend on relative number of solute particle and not the nature of solute particles. और relative number का मतलब क्या हुआ? Small n by capital N. Small n क्या था? Moles of solute और capital N क्या था? Moles of solvent. ध्यान रखिएगा वो सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो इस पे डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नेचर पे नहीं. इससे मतलब नहीं है कि पार्टिकल मॉलिक्यूल है आयन है इससे मतलब ही नहीं है. सिर्फ किस पे मतलब है रिलेटिव नंबर से उनको हम क्या बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. चलिए अभी इसको नोट हम लोग कर लेंगे. शॉर्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग सीपी बोलेंगे. जैसे वेपर प्रेशर को वीपी बोला था बॉइलिंग पॉइंट को वीपी बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे सीपी. आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखा है. सीपी किसके प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. अच्छा सॉल्यूट या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है या तो आयंस हो सकता है. अच्छा कई जगह नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स न लिख के क्या लिखता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अरे बोलो क्योंकि वन मोल में एन है तो मोल और नंबर तो रिलेटेड ही है. अच्छा या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. याद कीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या था स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन. और अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन. तो क्या हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आप देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से कोई पे भी डिपेंड करेगा. लिख लेंगे सीपी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस proportional to number of moles of solute proportional to mole fraction of solvent sorry solute sorry solute. दिख रहा है सबको? यस सर. यस सर. बताइए हमारा सॉल्यूशन क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट. बस अभी आपको वहीं तक लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तक. हो जाएगा. चले आगे. यस सर. चलिए तो आप बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है. एक ही चीज को कई तरह से हम लोग लिखे हैं. बताइए पढ़िए एक बार सब लोग. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब आप बोलोगे सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन हम कैसे जानेंगे. तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. लिखेंगे फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नंबर वन लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नंबर वन क्या लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नंबर वन क्या याद आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग. यस सर. हाँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए है ना.
तो देखते हैं कैसे वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. लिख लिया आपने नंबर वन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अरे बोलो. अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं. अब बताओ ये दिख रहा है सबको, हेडिंग है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब बताओ P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी नॉट A, इसी को हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग. Yes. और ये इक्वल होता है एक्स बी के, और एक्स बी को लिख सकते हैं स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन. हाँ, अब आप बताइए हमारा अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एन इज मच लेस देन कैपिटल एन. तो उस केस में क्या बन जाएगा ये स्मॉल एन अपॉन, इसको हम नियर, देखिए मैंने लिखा है नियरली इक्वल. नियरली इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है. ये क्या बन जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन. अब आप बताओ रिलेटिव लोअरिंग स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं. Yes, sir. और जो प्रॉपर्टीज स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन पे डिपेंड करे उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. देखिए यहां से मैंने लिखा भी है पी नॉट ए, याद कीजिए ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है. प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, तो डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन. अरे बोलो. Yes, तो चाहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलिए या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन. बट गौर करिएगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वहीं पे आप लिख सकते हो एन प्लस एन को कैपिटल एन. और ये देखिए मैंने इक्वल नहीं लिखा है, नियरली इक्वल लिखा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, नोट कर लेंगे इस. हो जाएगा. कोई डाउट है? हेलो. हाँ बोलें, कोई डाउट है तो बोलिए. आवाज आवाज कट रही है, फिर से बोलिएगा. लिख लिया ना इसको सब लोगों ने? यस सर. हाँ आवाज हमें साफ नहीं मिल रही आपकी, अगर आप लिख के हमें भेज सकते हो तो भेज दो जो डाउट है आपका, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे उसे. की आवाज हमें साफ आ नहीं रही. कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, समझ में आ गया, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स. अच्छा देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, हमने बताया था ये पॉइंट कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है. और उसका रीजन बताया था कि जो परसेंटेज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड है बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जहां जहां सॉल्यूट जाएगा वहां से तो वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल. तो हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करा था पिछले क्लास में, याद होगा, तो उसमें हमने ये डिराइव किया था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A, और ये इक्वल था XB के, और XB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल स्मॉल n अपॉन टोटल मोल्स कैपिटल n प्लस स्मॉल n. अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि जो स्मॉल n है दैट इज मच लेस देन कैपिटल n. उस केस में यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हमने किया है, और वहां से इसलिए इसको इक्वल ना लिख के नियरली इक्वल लिखा, तो ये प्रूव हो रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यानी कि
relative number of solute particles. Yeah, yahi se aap conclude kar sakte ki delta P is proportional to small n upon capital N, kyunki P not A to constant hoga kisi given temperature pe. To ye tha hamara pehla colligative property. Isme aur teen hai. Ek hai elevation in boiling point, dusra hai depression in freezing point, aur next hai last wala osmotic pressure. तो उसको देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास को. आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है? थैंक यू. हाँ ओके, अब तो क्लास नहीं है ना आप लोगों की, तो अभी से एंड कर दे रहे हैं हम, है ना? हेलो. यस सर. ठीक ओके थैंक यू. हेलो. हाँ हाँ बताएं. जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हाँ वो उस दिन बताए थे आप? हाँ कल के पहले वाले क्लास पहले बता रहे थे. हाँ अगर आपको नोट्स अवेलेबल होगा तो आप देख लेना एक बार, नहीं तो फिर हम आपको भेज देंगे उसका ग्रुप में, है ना? एक बार उसका आप डेरिवेशन देख लीजिएगा, हम भेज देंगे उसे. और अगर अवेलेबल हो तो एक बार देख लेना, अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है कल मिलते हैं. ओके थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू.